आपने अच्छा नहीं किया साईं, ऐसे नहीं होता। मैं कह चुका हूं कि अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। साईं, आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें मेरे मुकाबले ले आई है और जता भी गई? आपकी हर धर्मी से मुझे बगावत की बू आ रही है। कैसी हठधर्मी, कैसी बगावत? पता नहीं क्यों, मगर मैं खुद को बिल्कुल जीरो महसूस कर रही हूं, खाली जीरो, जिसे वैल्यू देने के लिए उसके शौहर का हिंसा मौजूद नहीं है। आप जानते हैं मैंने आपकी इज्जत में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर अब क्या हो गया आखिर? कुछ नहीं हुआ, आप सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रही हैं। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं? मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूं, आप मुझे खुद से दूर होते हुए महसूस हो रहे हैं। नजर नहीं आ रहा, मगर कोई है, कोई है जो आपके और मेरे दरमियान में आ गया है। और ये सब मुझे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ है। कौन है वो? क्या मैं ये समझूं कि एक कच्ची उम्र की लड़की एक ढलती उम्र के मर्द को भा गई है? बीबी, अगर इससे ज्यादा एक लफ्ज भी कहा तो मैं इस कमरे से ही नहीं, इस घर से चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले। ओहो, फिर? फिर क्या, मुझे आदत हो गई है ये लॉस बर्दाश्त करने की। बहुत उदास हो? नहीं, खैर ये बताओ तुम्हारे भाई से क्या कहा तुमने? कहना क्या था, मैं उनके आने से पहले ही लाइब्रेरी के दरवाजे पे पहुंच गई थी। रश्मि से पूछगछ के बाद छोड़ दिया उन्होंने मुझे। राबेल, असूलन आज हमारी सुहागरात बनती थी। जब मैं दुल्हन ही नहीं बनी तो सुहागरात कैसी? मैं दूल्हा, तुम दुल्हन, हमारे ख्वाब भला कहां पूरे होंगे? हम तो बस मियां बीवी बनेंगे, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। कबीर, वो निकाह तक तो ठीक था, लेकिन ये बहुत आगे की मंजिलें हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अच्छा नहीं लगता इतनी हदें क्रॉस करना। तुम्हारा क्या ख्याल है रबेल कि तुम्हारे वो पीर इतनी आसानी से तुम्हें मेरे साथ रुखसत कर देंगे? नहीं, ये रिश्ता हमने खुद जोड़ा है और हम खुद ही निभाएंगे इसे।
और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत हम कल से करेंगे। मुझे सिर्फ कागज का एक निकाह नामा नहीं बल्कि अपने साथ खड़ी हुई बीवी चाहिए। और जितने दिन हमारी इस्तवाजी जिंदगी खामोशी से गुजरती है गुजारेंगे, और जब इस राज को खोलने की जरूरत पेश आई तो खोल देंगे। खैर, मैं कल पहले तुम्हारे लिए शॉपिंग करूंगा और फिर तुम्हारी तरफ आऊंगा। इज इट ओके? ओके। पप्पी, तू कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? वो मैंने सोचा मैं वापस चली जाऊं। लक्की महल? हाँ, अब मैं यहाँ कब तक रहूंगी? तुम्हें भी आज वापस जाना होगा, तुम्हारी भी ट्रेनिंग है। तो पप्पी, मैं चला जाऊंगा, घर तो यहीं होगा ना। इसे तो हथेली पे रख के ले जाने से रहा, और शकूर और फिरकी होटल चलाएंगे, नौकर उसी तरह आता रहेगा, मैं आता जाता रहूंगा, तू अपने घर में मालकिन बन के रहेगी। फिर सरकार नाराज होके गए? नाराज होके नहीं, तुझे छोड़ के गए, अपनी बेटी को साथ लेके तुझसे ताल्लुक खत्म करके गए। ऐसा अपने मुंह से तो उन्होंने नहीं कहा। तुझे आने के लिए भी तो नहीं कहा। मैं चाहती हूँ वो अपने मुंह से मुझे जाने के लिए कहते। पप्पी, तुझे जरूर बेइज्जत होना है। मुझे सिर्फ उन्हें मनाना है। वो नाजायज नाराज हो रहा था, तेरा चचाजात खो गया, जिंदा या मर गया उसका पता नहीं, और वो भी उसके उस नाराज अंदाज की वजह से, और तुझे उस शख्स की पड़ी हुई है। पप्पी, तेरे अंदर इज्जत नफ्स नाम की कोई शय है कि नहीं? जब इश्क होता है ना कबीरे, तो सबसे पहले मर जाने वाली चीज इज्जत नफ्स होती है, और अगर जिंदा रह जाए तो इश्क को दागदार कर देती है। मुझे जाने दे तू। और अगर तुझे निकाल दिया तो? मर जाऊंगी। अच्छा चल, मैं तुझे छोड़ के आता हूं तेरे उस लक्की महल में जहां की तू नौकरानी है। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तू जा अपने काम पे।
सारी रात ऊँगते हुए, रोते हुए और सोचते हुए गुजर गई। साईं जान बूझ कर सोते बने रहे या पता नहीं सचमुच सो गए थे। कालिया ने तो मेरा कोई एहसास ही नहीं है। साईं की लापरवाही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग बन गई है। इस घर में मेरी कोई मर्जी नहीं चलती, कोई फैसला नहीं सुना जाता। क्या सोचती होंगी मुलाजमें कि मेरी इस घर में एक भी नहीं चलती, एक भी नहीं सुनी जाती। तो आप उन्हें एहसास ना होने देना कि आप उन्हें रखना नहीं चाहती। बात अना की नहीं है, बात साईं की बेवफाई की है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि साईं के अंदर एक ऐसा मर्द होगा जो अपने से आधी उम्र की लड़की का तलबगार हो जाएगा। ना बीबी मुशर, बड़े सरकार ने कई दफा उसे अपनी बेटी कहा है। काली, तुम्हारे सरकार से मुझे बेईमानी की बू आ रही और बेईमान आदमी ऐसे हालात में मोतबर रिश्तों का सहारा लेता है। काली, एक कप कॉफी का तो ले आओ। जी सरकार। सरकार, तुम कब आई? जी अभी अभी पहुंची हूं। बहुत अच्छा किया। माफी चाहती हूं सरकार, बगैर बताए आने की। कोई बात नहीं है, जाओ जाके अपनी बेटी से मिल लो। आखिर ऐसा क्या है? कुछ तो ऐसा है जो नजर नहीं आ रहा। सलाम बीबी मुर्शिद। क्या सोचती होंगी मुलाजमें कि मेरी इस घर में एक भी नहीं चलती, एक भी नहीं सुनी जाती। तो आप उन्हें एहसास ना होने देना कि आप उन्हें रखना नहीं चाहती। कैसी हो मलका? जी आपकी दुआ है बीबी मुर्शिद। तुम्हें तो मैं नजर ही नहीं आई। ना बीबी मुर्शिद। नहीं बीबी मुर्शिद, मैं समझी आप कमरे में होंगी। तुम लोगों को लगा कि तुमने बीबी मुर्शिद को उनके कमरे तक महदूद कर दिया है। जी
मैं समझी नहीं। समझी तो मैं भी कुछ नहीं हूं। खैर, बड़ा लंबा सफर तय करके आई हूं, थक गई होगी, आराम कर लो। क्यों साईं, बहुत दूर है ना इनका घर? खुदा हाफिज़। दुआ करना कि घर से किसी ने फोन ना किया हो हॉस्टल में। दुआएं अब तुम मांगना। खैर, मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, मैं चलता हूँ। अच्छा, ये तो बता दो कि कब मिलने आओगे? अभी तो मैं गया भी नहीं, और तुम अभी से बेकरार होगी। बीवी हूँ आपकी, इतना पूछना तो बनता है मेरा। अच्छा बाबा, हर वीकेंड पे आ जाया करूँगा, और फिर हम नवीक के घर चले जाया करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हुई तो फोन पे तुम साथ हैं ही ना? ठीक है, ओके, डोंट वरी। एंड बाय द वे, थैंक्स फॉर मेकिंग माई लाइफ कंप्लीट। तौबा मेरी तौबा, कैसे कैसे घरों की बेटियां बिगड़ जाती हैं। इनके मां बाप को पता चले तो डूब के मर जाएं। छोड़े मेरा हाथ। ऐसा करो, तुम आज रात यहीं गुजार लो। ये क्या बदतमीजी है राव? सर्टिफिकेट है मेरे पास इस बदतमीजी का, और 3 लफ्ज रजामंदी के तुमने भी तो कहे।
गलती होगी आपके कमरे में आके। सुनो तो। हाँ बस शुगर मिल के मामलात जो हैं वो अब ठीक हो गए हैं, बस गवर्नमेंट का थोड़ा सा अनड्यू प्रेशर है टैक्सेस का। ठीक है, तुम सबको फोन कर देना, जिन लोगों के नंबर्स मेरे पास हैं मैं उनसे बात कर लूंगा। ठीक है, इतना सरिया है इस लड़की के भाई की गर्दन में, इसे पता ही नहीं चला और बहन ने मुंह पे कालक मल दी। भाई हर सैटरडे नाइट गायब होती है, दूसरे दिन संडे की शाम को थकी मंदी वापस आती है। कबीर गुलाम मोहम्मद के साथ जाती है। कौन है वो? स्टूडेंट था, तुमने तो अब यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, उससे सब नफरत थी प्रियोडल से, पर इसने फंसा ही दिया। Thank you.
मैं तो कॉम्प्लेक्स में आ गई हूँ तुम्हारी वजाहत देखकर। बहुत जल्द शौक भी रह जाओगी मेरी जहानत देख के। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इसी लग गया हूँ और मुझे एक दो दिन में रिपोर्ट करना है शेखुपुरा। Really? Yep. मेरा भी आज लास्ट पेपर था, मुझे भी दो दिन में भक्ता वाला जाना। तो चलो फिर आज मिलके जुदाई सेलिब्रेट करें, क्या ख्याल है? क्या हुआ मेरी जान? आओ बैठो। हाँ अब बोलो क्या बात है, क्या हुआ है? बाबा, बाबा अम्मा को क्या हुआ है? क्या हुआ उन्हें बेटा, वो ठीक है? बाबा अम्मा वो रही ही नहीं है, उन्हें इस घर से कोई दिलचस्पी नहीं रही, ना खाने से कोई दिलचस्पी रही है, ना मेरा पता है। बाबा, जब देखो अम्मा चुप रहती है, उनकी आंखें भरी रहती है। बाबा, उनके दिल में आपके लिए जो भी दुख है उसे सॉर्ट आउट कर दे, प्लीज कर दे। आगे कब तक इस तरह चलेगा? इस घर में कोई हंसता नहीं, कोई बोलता नहीं, ऐसा लगता है जैसे सबको चुपके बीमारी सी लग गई। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बाबा मैं बच्ची नहीं हूं, हमारे इस घर में सुकून था जिसकी जगह अब सिर्फ खामोशी है। पता नहीं कितने दिन हो गए मैंने आपको और अम्मा को बात करते हुए देखा ही नहीं, हूं हां के अलावा कोई बात ही नहीं होती। बाबा क्या है ये सब? अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी अम्मा के पास चल के बैठते हैं, उनसे बात करते हैं। आओ आओ शाबाश। जान आपकी चाय ठंडी हो रही है। आपने रख क्यों दी? दिल नहीं चाह रहा। अरे मगर बनवाई तो आपने थी ना। मैंने? अच्छा मैंने कब बनवाई थी? ताईजान क्या हो गया है आपको? बहुत दिनों से आप अपसेट नजर आ रही हैं। ताया सरकार की छोटी सी जिद को आपने अपनी अना का मसला बना लिया। मर्द जिस औरत को अपनी जिद बना लेता है ना, उससे उसका कोई ना कोई खास ताल्लुक जरूर होता है। सबूत तो मेरे पास नहीं है मगर
तुम्हारे ताया की खास इनायत है उस कमसिन लड़की पर। ताईचान, ताईचान खुदा का खौफ करे, बेटी बेटी कहते हैं ताया सरकार उसे। वजह पूछी तुमने तो मैंने बता दिया, वरना मैं तो किसी को भी कुछ। बीबी आपकी बेटी ने तो मेरी क्लास ले डाली, कहती है अम्मा का मूड क्यों खराब रहता है, मेरी मां बुझके रह गई है, घर उदास हो गया है। क्या जिंदगी है इस बेचारी की, या खुदा मेरी बीवी होने के बावजूद इसे अमान नहीं अपने बाप के हवाले से। ओ गॉड, ताया सरकार को या अपने निकाह का राज खोलना होगा या मेरे निकाह का। मेरी मौजूदगी हजम नहीं कर सके ना आप? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हे राम, क्या आपको इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करती, आपको मुखातिब नहीं करती, आपसे नाराज होकर मैं अपने आप को तकलीफ दे रही हूँ? क्या इस बात का आपको जरा भी दुख नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तुमने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। और जल्द मैं उस लड़की का नाम अनाउंस कर दूंगा जिसे मैंने अपने लिए चूज किया है। कौन है वो? कम से कम तुम नहीं हो, वक्त आने पे तुम्हें पता चल जाएगा।